Hello friends, welcome to Physics Time. Today's topic is again on elementary particles. Today's topic is spin, mean life and decay mode of elementary particles. Yani ki aaj hum spin, mean life aur decay mode janenge elementary particles ki. Yani ki kaun se aise particles hain jo decay hote hain aur kaun se aise particles hain jinki lifetime guarantee hoti hai. सबसे पहले हम बात करेंगे उन पार्टिकल्स की जिनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है. ऐसे दो पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है. पहला है फोटोन और दूसरा है ग्रेविटोन. हम दोनों को साथ में ही कंपेयर करेंगे. फोटोन एंड सेकंड इज ग्रेविटोन. फोटोन का सिंबल गामा है और ग्रेविटोन का सिंबल स्मॉल जी है. अगर हम फोटोन के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज़ अ क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटॉन इट इज़ अ क्वांटा ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. रेस्ट मास तो आपको पता ही है, दोनों के ही रेस्ट मास ज़ीरो होता है. अगर हम एंटी पार्टिकल के बारे में बात करें तो उनका कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं होता, यानी कि उन्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एंटी पार्टिकल खुद होते हैं. इसका मतलब हम इनके केस में लिख सकते हैं कि दे आर एंटी पार्टिकल आर द पार्टिकल themselves, यानी उन्हें किसी भी दूसरे पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है. उनके और उनके एंटी पार्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं होता. इसके केस में भी मैं यही लिख सकती हूँ. यहाँ देयर का मतलब दोनों से है, फोटोन से भी और ग्रेविटॉन से भी. मैंने दोनों जगह लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. द एंटी पार्टिकल आ द पार्टिकल themselves. नाउ नेक्स्ट कम्स स्पिन. अगर हम स्पिन की बात करें तो फोटोन का स्पिन होता है एच क्रॉस और ग्रेविटॉन का स्पिन होता है 2H क्रॉस. अब हम दोनों की स्पिन देखें तो एक की स्पिन एच क्रॉस है और दूसरे की स्पिन 2H क्रॉस है, यानी कि दोनों की ही स्पिन एच क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल है. इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बोजोन्स में आते हैं. बोथ आर बोजोन्स. अब दोनों ही पार्टिकल्स फोटोन और ग्रेविटॉन दोनों ही पार्टिकल बोजोन्स में आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओबे करते हैं. हम ये भी कह सकते हैं दोनों ही पार्टिकल्स बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं. दोनों ही पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं. बोथ पार्टिकल्स आर स्टेबल. स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि उनकी मीन लाइफ इनफाइनाइट होती है, यानी कि वो कभी भी डिके नहीं करते, उनकी लाइफ टाइम गारंटी होती है. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन पार्टिकल्स की जिनका रेस्ट मास नेग्लिजिबल होता है, यानी कि लेप्टॉन्स की. वी विल टॉक अबाउट लेप्टॉन्स. लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं. लेप्टॉन्स हमेशा फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं. फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने का मतलब ये है कि उनकी स्पिन हाफ एच क्रॉस होती है, लेकिन उनका रेस्ट मास बहुत ही कम होता है. हम ज़ीरो नहीं कह सकते, उनका रेस्ट मास बहुत कम होता है, नियरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल. तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट मास इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेप्टॉन्स फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं और लेप्टॉन्स का रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास के नियर अबाउट सेम होता है. अब ये तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो. जिनको हम न्यू एंड न्यू बार से शो करते हैं. सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन
एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम ई माइनस और ई प्लस से शो करते हैं। और थर्ड पार्टिकल इज म्यूऑन या म्यू मेसॉन्स, दोनों में से कुछ भी नाम आप ले सकते हो इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, न्यू एंड न्यू बार की। न्यूट्रिनो का एक्सिस्टेंस तभी आता है जब हम बीटा डिके के बारे में बात करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बीटा डिके और व्हेनेवर वी एक्सप्लेन बीटा डिके, देयर इज़ एन एक्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो। और ये एग्जिस्टेंस इसलिए होता है ताकि हम उसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। इन सब फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस दिया है। अब अगर हम इसके चार्ज की बात करें तो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज जीरो होता है। स्पिन पहले ही बता चुके हैं कि तीनों की स्पिन हाफ एच क्रॉस होगी, तो इसको मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी। रेस्ट मास पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेंशन कर रही हूँ, रेस्ट मास नियरली ज़ीरो एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज अगेन नियर अबाउट ज़ीरो। इसमें न्यूट्रिनो में और एंटी न्यूट्रिनो में केवल एक इनहेरेंट मोमेंटम और इनहेरेंट एनर्जी होती है। अब क्योंकि इनका स्पिन हाफ एच क्रॉस होती है, इसका मतलब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों फर्मी डायरेक स्टेटस को फॉलो करते हैं। हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, इसका मतलब इनकी मीन लाइफ इनफाइनाइट होती है। नाउ एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, इसको हम न्यू बार से शो कर रहे हैं। एक न्यूट्रिनो तब एमिट होता है या तब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। और अगर हम एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात करें तो एंटी न्यूट्रिनो एक इलेक्ट्रॉन के साथ एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है। इसकी प्रूफ हम दो इक्वेशन से दे सकते हैं। पहले की प्रूफ निकलती है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। व्हेनेवर न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड अलॉन्ग विद द एंटी न्यूट्रिनो। एंड व्हेनेवर प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन, जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो एक ई प्लस निकलता है, यानी कि पॉजिट्रॉन निकलता है, और साथ में एक न्यूट्रिनो भी निकलता है। इसका मतलब न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के साथ में निकलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पहले लें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे जे थॉम्पसन ने की थी, ठीक। इसका रेस्ट मास होता है, ये तो सभी को पता होता है कि इसका रेस्ट मास क्या है, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। या इसको अगर हम MeV में लें तो इट इज़ 0.511 MeV। चार्ज हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम विद अ नेगेटिव साइन, माइनस भी लगा हुआ है इसमें। इसकी स्पिन अगेन हाफ एच क्रॉस है, इन सभी की स्पिन हाफ एच क्रॉस ही है, लेकिन दो स्टेट्स में, एक इलेक्ट्रॉन अप स्टेट में, एक डाउन स्टेट में। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 बोहर मैग्नेटन होता है। ये फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं और अगेन ये स्टेबल पार्टिकल है, इसका मतलब इनकी मीन लाइफ पीरियड इनफाइनाइट होता है। और इलेक्ट्रॉन का सिंबल तो आपको पता ही। अब अगर मैं पॉजिट्रॉन के बारे में बात करूँ तो पॉजिट्रॉन को 1930 में एंडरसन ने डिस्कवर किया था। एंडरसन ने एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल डिस्कवर किया था जिसको इसने नाम दे दिया पॉजिट्रॉन और इसको सिंबल दे दिया ई प्लस का। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में केवल उसके चार्ज का फ़र्क है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम है तो पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 प्लस साइन के साथ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब भी एनिहिलेट होते हैं तो एक एनर्जी को एमिट करते हैं, दे एमिट एनर्जी
in the form of photon, that energy is equal to 1.02 MeV. या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी एक फोटोन जिसकी एनर्जी हो 1.02 MeV, स्ट्राइक विद इन द न्यूक्लियस, इट प्रोड्यूसेस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट म्यूऑन और म्यू मीजोन्स. म्यूऑन यानी कि म्यू माइनस, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे आपको दिख ही रहा है. म्यू माइनस यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसका चार्ज सेम होता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है. यानी कि अगर मैं चार्ज लिखूं यहाँ पे, तो इट्स चार्ज इज अगेन 1.6 × 10⁻¹⁹ ऑफ कूलम. लेकिन इसका रेस्ट मास, अगर मैं इसके रेस्ट मास के बारे में बात करूँ, तो इसका रेस्ट मास होता है 206.78 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 206 टाइम्स होता है. या अगर मैं इसको MeV में कन्वर्ट करूं, तो इट इज़ 105.7 MeV. इसके एंटी पार्टिकल के बारे में बात करूं, म्यू माइनस के एंटी पार्टिकल यानी कि म्यू प्लस म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल है. अब क्योंकि म्यू प्लस म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल है, तो इसका चार्ज हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ ऑफ कूलम. इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ म्यूऑन्स, देन दे आर प्रोड्यूस मेनली ड्यू टू डिके ऑफ पाई मीजोन्स. जब पाई मीजोन्स डिके होते हैं, तभी म्यूऑन्स प्रोड्यूस होते हैं. ऐसा कैसे होता है? पाई माइनस डिके इंटू म्यू माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंड पाई प्लस डिके इंटू म्यू प्लस एंड अ न्यूट्रिनो. स्पिन इनकी हाफ एच क्रॉस होती है, जैसे कि पहले ही बता दिया जा चुका है, और फर्मी डायरेक स्टेटस से फॉलो करते हैं, क्योंकि स्पिन से ही पता चल रहा है. अगर हम इनके मेन लाइफ के बारे में बात करें, तो उनकी मेन लाइफ होती है 2.2 × 10⁻¹⁶ सेकेंड. यानी कि इनकी मेन लाइफ टाइम जैसी नहीं है, कम है. इसका मतलब ये डिके करते हैं. अगर ये डिके करते हैं, तो वो कैसे डिके करते हैं? म्यू माइनस डिके इंटू इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड म्यू प्लस डिके इंटू पॉजिट्रॉन प्लस अ न्यूट्रिनो. इट मीन्स म्यूऑन एंड एंटी म्यूऑन डिके इन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रिस्पेक्टिवली.